दोस्तों आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को अगर हार्ट की समस्या है या हार्ट फेलियर समस्या है, एक कंडीशन कहलाती है कि डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू आदर डायबिटीज या ड्यू टू ब्लड प्रेशर या ड्यू टू अदर समस्या। तो जब भी किसी डायबिटीज मरीजों को हार्ट की समस्या हो तो उनके लिए बेस्ट शुगर की दवा कौन सी होती है, तो जान लीजिए कि आजकल जो है बड़ी अच्छी दवा आती है शुगर की हमारी, उसे बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर। उसे कई ब्रांड नाम से आते हैं, जैसे दिखाऊँ आपको SGLT2 इनहिबिटर क्या नाम होगा। देखिए डेपा ग्लिफ्लोजन सॉल्ट है जो मार्केट में मिलता है ऑक्सरा या फॉसगा नाम से, कैना ग्लिफ्लोजन सॉल्ट है जो मिलता है सुलिसेंट या इनवाना के नाम से, एम्पा ग्लिफ्लोजन जो मार्केट में मिलता है जार्डिस नाम से, कई नाम से आती हैं। इस सारी दवा बोलते हैं हम लोग SGLT2 इनहिबिटर, इसे बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर। ये सारी दवा करती क्या है कि डायबिटीज मरीजों के अंदर देखा गया कि जब ये दवा ली जाती है, ये दवा करती क्या है कि ब्लड शुगर को नॉर्मली, जब भी ब्लड शुगर ब्लड में बढ़ता है तो किडनी के थ्रू यूरिन पास होता है, बट डायबिटीज अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब जो भी शुगर यूरिन पास होता है बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता जाता है। तो ये टैबलेट जो भी हैं ये ब्लड शुगर को, किडनी जो फिल्टर होता है उसको वापस ब्लड में वापस होने से रोकता है, तो एक्स्ट्रा शुगर यूरिन में पास होता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल आता है, प्लस शुगर के साथ साथ ब्लड में से सोडियम भी पास हो जाता है जिससे ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा कम होकर के बॉडी के अंदर वॉल्यूम एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है, बिकॉज जितना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना हार्ट को लोड पंपिंग करना पड़ेगा। तो ये टैबलेट जो है सोडियम प्लस ग्लूकोज को यूरिन से बाहर निकाल करके ब्लड के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड को कम करती है। स्टडी में देखा गया है कि हार्ट के पेशेंट जब ये लेते हैं तो उनको एडमिशन फॉर हार्ट समस्या के लिए 40% घट जाता है, जो लोग लेते हैं उनको रिस्क ऑफ एडमिशन फॉर हार्ट प्रॉब्लम 40% कम हो जाता है, प्लस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम 30% कम हो जाता है। इवन स्टडी आई है, अभी रिसेंटली स्टडी आई है कि इवन बिना डायबिटीज वालों को भी अगर हार्ट की समस्या होती है, तो एक स्टडी थी उसे बोलते डेपा HF एक गोली आती डेपा ग्लिफ्लोजन जो थी SGLT, जब हार्ट पेशेंट दिया गया बिना डायबिटीज के भी, तो देखा गया हार्ट अटैक हार्ट का फेल खतरा 30% कम था और डेथ ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम 18% कम हो गया बिना डायबिटीज के भी। तो आजकल ये गोली बिना डायबिटीज मरीजों को भी और किसी हार्ट समस्या है उसको दी जा रही टू प्रिवेंट हार्ट कॉम्प्लिकेशन। तो आप सब जान लें अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो इन SGLT2 इनहिबिटर गोली लेना मस्ट है, चाहे डेपा ग्लिफ्लोजन लो या चाहे कैना ग्लिफ्लोजन लो या एम्पा ग्लिफ्लोजन, इनमें कोई एक लेना जरूरी है। इन दवा से एक ही नुकसान होता है, मैं बोला ये ब्लड शुगर यूरिन बाहर निकालता है तो आपके यूरिन में शुगर जाएगा। अगर आपके पेशाब की जगह सफाई नहीं रखोगे और वहाँ क्लीनिंग प्रॉपर नहीं रखोगे, सूखा नहीं रखोगे, तो कभी कभी वहाँ खुजली लग जाता है फंगस को, कि जहाँ देखो फंगस हवा में घूमते रहते हैं, जहाँ उनको ग्लूकोज मिले पानी मिले वहाँ बैठ जाएगा। तो जब भी आप अगर गोली लें तो आपको अपने यूरिन जगह पे प्रॉपर क्लीन करके ड्राई करना चाहिए, सुधर पेशाब जो खुजली से प्रिवेंट हो। अगर पेशाब में खुजली से बचे रहते हैं तो आपको हार्ट के लिए बहुत बड़ी दवा है, प्लस आपका शुगर कंट्रोल भी बहुत अच्छा करता है, वर्चुअली ये किडनी कॉम्प्लिकेशन भी बचाता है। तो आज की डेट में वर्चुअली वंडर ड्रग है जो कि हर कॉम्प्लिकेशन बचाता है, शुगर कंट्रोल करता है, एंड लॉन्ग टर्म में दो दवा तो महंगी है, एक गोली करीब 45 रुपये की आती है, पर चूँकि कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट इतना अच्छा करता है कि लॉन्ग टर्म आप फायदे में रहेंगे। बस अरे यार, हाँ स्वीट बताओ। हाँ मेरे 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 पास मेरे पास